वेलकम टू राजीवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मेरा चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो बिगनर स्टूडेंट है उसके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल है। अगर आप हाथ के हुनर को सीखते हैं तो आप अपने लिए 1000 रुपये से 2000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी आप अपने लिए और भी अच्छी इनकम कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक लेनोवो का लैपटॉप आया है, और इस लैपटॉप मदरबोर्ड के अंदर टाइप सी वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसमें वोल्ट इन के लिए डीसी जैक नहीं दिया गया है, 2 पोर्ट टाइप सी के दिए गए हैं यहाँ पे। और ये लैपटॉप मेरे पास डेड कंडीशन में आया है, और इसको मैंने खोल दिया है, और उससे होता क्या है कि थोड़ी टाइमिंग बच जाती है। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने इसको डायग्नोस कर लिया है, अभी मैं आपको उसको ऑन करके दिखाऊंगा। देखेंगे यहाँ पे मैं मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे डिस्प्ले केबल को मैं रिलीज़ कर लेता हूँ, साथ के साथ इसमें जो स्पीकर का है केबल उसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए मदरबोर्ड मेरा रिलीज़ हो गया है, और मैं बोर्ड के पार्ट नंबर को भी दिखाऊंगा। देखेंगे यहाँ पे जो बोर्ड का पार्ट नंबर है, अगर आप उस पर गौर करें तो ये बोर्ड का पार्ट नंबर है NM-E401। और ये लैपटॉप मेरे पास डेड कंडीशन में आया था, और जब मैंने इसका ओवरव्यू देखा तो बोर्ड की हालत बहुत वेल थी, लेकिन इसमें वाटर डैमेज के सिम्टम्स मैंने यहाँ पे देखे थे। टाइप सी कनेक्टर यहाँ पे है, वहाँ पे वाटर डैमेज देखे थे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं यहाँ पे से, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और देखी मैंने। देखेंगे यहाँ पे टाइप सी के 2 कनेक्टर दिए गए हैं, तो एक कनेक्टर जो है हमारा यहाँ पे डैमेज पाया गया। तो अभी मैं आपको सामने इसको रिमूव करने वाला हूँ, और इसको रिमूव करने के बाद इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई थी। तो फिलहाल आप देखें मैं टाइप सी कनेक्टर को रिमूव कर रहा हूँ, और ये वोल्टिन वाले जो लैपटॉप थे, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ से मतलब फोर्थ और फिफ्थ तक तो टाइप सी था ही नहीं, सिक्स जनरेशन या सेवन जनरेशन से टाइप सी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ लैपटॉप में, जहाँ पे डीसी जैक भी था और टाइप सी भी था। लेकिन जैसे ही हमारा जनरेशन 7th जनरेशन 8th जनरेशन हुआ तो केवल टाइप सी आ गया। टाइप सी बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको इसको सीखना होगा। यहाँ पे क्या है, इस टाइप सी कनेक्टर के अंदर चार्जिंग के साथ साथ आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, साथ के साथ वीडियो का आउटपुट भी ले सकते हैं, इसीलिए ये एडवांस है। तो यहाँ पे मैं आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा। देखेंगे यहाँ पे मैंने टाइप सी कनेक्टर को रिमूव कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखिए ऑलमोस्ट निकल ही गया। देखिए टाइप सी कनेक्टर को मैंने रिमूव कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पहले ही डायग्नोस कर लिया था कि यहाँ पे शॉर्टिंग थी, जिसके वजह से मेरा लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैं इसका कवर को लगा लेता हूँ, देखिए यहाँ पे इसको मैं फिक्स करूँगा, क्योंकि ये इंसुलेटर का काम करता है, इसलिए मुझे इस पैकिंग को यहाँ पे लगाना होगा। और इसके बाद मैं इसकी डिस्प्ले को चेक करके देखूँगा, मदरबोर्ड को मैं पहले प्रॉपर तरीके से फिक्स करूँगा। ये देखिए बोर्ड मेरा फिक्स हो गया है, यहाँ पे फैन को रख लेते हैं, और इसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा। तो आप भी हाथ के हुनर को सीखिए और अपने लिए अच्छी अर्निंग कीजिए। यह देखेंगे आप जो इसका EDP कनेक्टर है उसको मैंने प्रॉपर लगा दिया है। अभी यहाँ पे टाइप सी का एक और कनेक्टर बचा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास डायग्नोस करने के लिए इस तरीके से कनेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने जब इसको कनेक्ट किया, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी डिस्प्ले पे ध्यान से देखें। देखेंगे यहाँ पे आ जाइए आप पास आके दिखाएं। देखिए यहाँ पे इसकी डिस्प्ले को मैं दिखाता हूँ आपको, जब मैं टाइप सी कनेक्टर को इसमें इंसर्ट करता हूँ, देखिए ये मेरा डायग्नोस करने के लिए है, मैं बोर्ड को फिक्स कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे डिस्प्ले में वोल्टेज दिखाई देगी, पहले 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट सिस्टम के अंदर जाके डायग्नोस करती है, अब देखेंगे 18 वोल्ट आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो मेरी सिस्टम के अंदर है वोल्टिन हो गई है, और फैन आप देखेंगे स्पिन हो गया है। और अगर मैं इसके मशीन के एम्पियर को देखूँ तो यहाँ पे 1 एम्पियर ले लिया है, थोड़ा और इंक्रीज होगा, और थोड़ी देर में अभी हम वेट करेंगे डिस्प्ले आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखिए तो 14, 15, 900 अब एम्पियर मतलब फ्लक्चुएशन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे, क्योंकि जब हम लैपटॉप में से बैटरी को और अडाप्टर को हटा देते हैं और जब हम दोबारा से ऑन करते हैं तो सिस्टम को बूट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले आ गई है, देखेंगे डिस्प्ले आ गई है, कितने ईजी वे में हमने इसको रिपेयर किया। और इस तरीके से आप लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पे सीख के अपने लिए बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप 1000 रुपये से 2000 रुपये बिगनर लेवल पे कमा सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी टाइमिंग बढ़ेगी आप अपने लिए और भी अच्छी इनकम कर पाएंगे। और आप देखेंगे हमारे पास मैकबुक भी रिपेयर होने के लिए आते हैं, और हम यहाँ पे
हर कंपनी के लैपटॉप को रिपेयर करते हैं, और साथ के साथ आप देखेंगे मैकबुक एक स्पेशल एडिशन होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका बैटरी शायद डाउन हो गया है, तो फिलहाल इसको भी हमने रिपेयर कर लिया है, और देखेंगे बैटरी इसकी डाउन है, इस समय ऑन हो गया है। तो और बहुत सारे हमारे पास लैपटॉप आते हैं, अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग चिप लेवल पर सीखनी है तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, साथ के साथ आपको लाइफ टाइम प्रैक्टिकल सपोर्ट देंगे। तो फिलहाल मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, आज का वीडियो समाप्त करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।